यूपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पिछले वीडियो को 200 से अधिक छात्रों ने देखा और उसका लाभ लिया। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और अपना एजुकेशन लेते रहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज अवकलन का दूसरा दिन है, चलिए सीधे चलते हैं, रफ और पेन लेकर के ठीक आपके बगल में बैठ करके पढ़ते और पढ़ाते हैं। कल मैंने आपको सवाल नंबर 20 तक बताया था, आज उसके आगे से बता रहा हूँ। 21वां नंबर क्वेश्चन है, कोसेक एक्स प्लस टू काट एक्स, इसको लिख देंगे वाई इक्वल टू। कल की तरह फिर अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। और डी डी एक्स ऑफ काट एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का अवकलन जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, और प्लस टू इंटू काट एक्स का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, यहाँ पर माइनस कोसेक एक्स दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, माइनस कोसेक एक्स ब्रैकेट में बचेगा काट एक्स प्लस टू कोसेक एक्स, ये हो गया इसका आंसर। 22वां नंबर प्रश्न है, काट एक्स माइनस वन अपॉइंट टू सेक एक्स, इसको वाई इक्वल टू मान लेते हैं, तो वाई इक्वल टू होगा काट एक्स माइनस वन अपॉइंट टू सेक एक्स, को लिख सकते हैं कास एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू काट एक्स का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन टू कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो हो गया ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो हो गया ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस एक बटा दो साइन एक्स। तेईसवां नंबर प्रश्न है, साइन एक्स प्लस टू टेन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, इसको वाई इक्वल टू मान लेते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस टू टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स का अवकलन हो गया माइनस साइन एक्स। तो फाइनल लाइन होगी कॉस एक्स प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स, ये हो गया इसका आंसर। चौबीस नंबर प्रश्न है, चौबीस नंबर क्वेश्चन है, y प्लस साइन y बराबर कास x। ये प्रश्न थोड़ा सा नए तरीके का है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसको मान लेते हैं y इक्वल टू माइनस साइन वाई
प्लस काश्यक्ष, इसका मैंने पक्षांतर कर दिया। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन, इसको मान लेंगे आप साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, काश्यक्ष, माइनस चिन्ह पहले से हो जाएगा कास वाई, और फिर से इसमें वाई का पुनः अवकलन होगा, वाई का पुनः अवकलन होगा, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस काश्यक्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा काश्यक्ष में क्यों नहीं हुआ, साइन वाई में ही हुआ। तो हम आपको बता दें कि वाई इक्वल टू, वाई में एक फलन है काश्यक्ष के रूप में, वाई में फलन है, तो जब भी साइन वाई होगा तो उसका हो जाएगा कास वाई, फिर से डी डी एक्स ऑफ वाई। टेन वाई अगर रहता तो उसका होता सेक स्क्वायर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। मतलब वाई किसी भी त्रिकोणमितीय नाम के साथ अगर जुड़ा है तो उसका अवकलन होगा, फिर से वाई का अवकलन एक बार दोबारा होगा, इसलिए यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई पुनः लिखा गया है। अब इसको हम बाएं पक्ष में लेते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, ये वाला पूरा बाएं पक्ष में आएगा, हो जाएगा प्लस कास वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स। अब यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बचा वन प्लस कास वाई बराबर कास एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स, ब्रैकेट में वन प्लस वाई का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस कास वाई। ये हुआ इसका आंसर। एक चीज यहाँ मिस्टेक हो रहा था, कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी रहेगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी रहेगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था। 25वां नंबर क्वेश्चन है, 2/10x प्लस 3/10x, इसको वाई इक्वल टू मान लेते हैं, तो वाई इक्वल टू हो गया 2 cot x प्लस 3 tan x, दोनों पक्षों का आकलन कर देते हैं, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, हो गया आंसर। 26वां देखिए, 4 sec x sin x दिया है, 4 sec x साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स कास एक्स माइनस 5 tan x इंटू काट एक्स। इसका आकलन करने के लिए हम इसको वाई इक्वल टू मान लेते हैं, पहले हम इसको त्रिकोणमिति के हिसाब से सरल कर देंगे, तो 4 ये सेक हो जाएगा 1/cos एक्स इंटू साइन एक्स, इसको भी हम कर लेते हैं, कोसेक को 1/sin करते हैं, 1/sin x इंटू कास एक्स माइनस 5 tan को करते हैं 1/1/, इसको काट कर देंगे 1/cot x इंटू काट एक्स, तो वाई इक्वल टू हो गया 4 sin/cos क्या होता है 10x प्लस cos/sin क्या होता है काट एक्स होता है, माइनस 1 cot x से काट एक्स कट गया, केवल बचा 5। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 sec² x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन 0, अचर पद का अवकलन 0 होता है, याद रखिएगा।
कोई भी अचर पद है उसमें एक्स नहीं है तो उसका अवकलन 0 होगा। फाइनल आंसर होगा इसका डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4 sec² x - cosec² x। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। -e^x प्लस log x² - e प्लस 5 sec x, इसको भी y बराबर मान लेते हैं तो यहाँ पर अवकलन होगा। मैं आपको बता दूँ, फार्मूला बता दूँ, e^x dx ऑफ e^x का फार्मूला e^x ही होता है और dx ऑफ log x का फार्मूला होता है 1/x। तो आज ये दो नए सूत्र इस सवाल में लगेंगे। आइए देखते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अपनी जगह पे रहेगा e^x का अवकलन e^x, और प्लस log x का क्या होता है 1/log के बाद जो भी कुछ लिखा हो वह बटे के नीचे चला जाएगा। log के बाद x² लिखा है तो वो बटे के नीचे x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x² का अवकलन एक बार फिर से होगा, यहाँ पर x² का अवकलन एक बार फिर से होगा। तो x² का अवकलन क्या होगा 2x प्लस 5 sec x का अवकलन क्या होता है sec x * tan x। तो हो गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e^x, x से x कट गया, ये हो गया 2/x प्लस 5 sec x * tan x, ये इसका फाइनल आंसर है। 28 नंबर देखें, दिया यदि y बराबर 1/tan x माइनस 1/cot x, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान सवाल है, y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम cot x, इसको लिख सकते हैं tan x, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, इसका होगा माइनस cosec² x, इसका होगा sec² x, दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, हो गया आंसर। 29 नंबर देखें, x e^x, यहां पर आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, यहां पर दो फलन के गुणनफल का आकलन करना है। तो मान लीजिए दिया हो y बराबर f1x * f2x, तो इसका अवकलन होगा ddx ऑफ y = प्रथम फलन, ऐसे नोट कर लेंगे, फिर ddx ऑफ द्वितीय फलन f2x प्लस द्वितीय फलन और ddx ऑफ प्रथम फलन, ये होता है फार्मूला। यानी पहला फलन वैसे नोट कर लेंगे, दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन वैसे नोट कर लेंगे, उसके बाद पहले फलन का अवकलन, यानी प्रथम फलन ddx ऑफ द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन ddx ऑफ प्रथम फलन, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने जा रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है, तो मैंने प्रथम फलन उतार लिया, ddx ऑफ द्वितीय फलन प्लस अब की बार द्वितीय फलन उतार लेना है और ddx ऑफ
प्रथम फलन, मैं DDX इसलिए लिख रहा हूँ कि पहली बार मैं दो फलन के गुणनफल का आकलन करने जा रहा हूँ, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अगली बार से मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ हो गया DY/DX इक्वल टू एक्स ई पे पावर एक्स, क्योंकि ई पे पावर एक्स का आकलन यही होता है, प्लस ई पे पावर एक्स और DDX ऑफ एक्स। एक्स का आकलन कितना होता है, मैंने पिछले सवाल में बताया था, इसका आकलन एक होता है। तो DY/DX इक्वल टू, इन दोनों में हम ई पे पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x+1, ये होगा हमारा आंसर। अब मैं यहीं पर बता देता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है ई पे पावर एक्स साइन एक्स, इसको मान लेंगे वाई बराबर, यहाँ पर भी दो फलन के गुणनफल का अवकलन है, तो चलिए करते हैं। DY/DX इक्वल टू प्रथम फलन DDX ऑफ द्वितीय फलन, द्वितीय फलन का मतलब साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस द्वितीय फलन और DDX ऑफ प्रथम फलन, प्रथम फलन का अवकलन वही होगा जो वो है। DY/DX इक्वल टू ई पे पावर एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हुआ आंसर। फिर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, 10 सवाल, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है, कॉलेज टाइम हो गया है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम, 30 से लेकर के आगे के सवालों के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।